हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शहनाज कौरगिल के साथ काम करने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला ने ठुकराए कई सारे ऑफर्स। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। भाई, सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है, जिस इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने इनडायरेक्टली काफ़ी सारी बातें बोल दी हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ वो कहते हुए नजर आए हैं। अब इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। सिद्धार्थ से पूछा गया कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं तो क्या आपको प्रेशर फील होता है कोई प्रोजेक्ट उठाने में? सिद्धार्थ इस पर सीधा सीधा बयान ये देते हैं, हाँ होता है। और सिद्धार्थ ये भी कहते हैं कि अब देखिए, मैंने बिग बॉस के बाद म्यूज़िक वीडियोज़ की, एक के बाद एक मैंने 3 म्यूज़िक वीडियोज़ की, लेकिन मुझे सिर्फ 3 म्यूज़िक वीडियोज़ ही ऑफ़र नहीं हुई थी, बहुत सारे ऑफर आए थे, उनमें से मैंने 3 चूज़ किए। ये प्रेशर भी होता है, क्योंकि मैं जब कोई प्रोजेक्ट चूज़ करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये सॉन्ग मैं अपनी गाड़ी में सुनना पसंद करूँगा, क्या मैं ये गाना सुनना चाहूँगा, मुझे पर्सनली ये गाना अगर पसंद आएगा तो मैं प्रोजेक्ट वो करूँगा। अब भाई, सिद्धार्थ शुक्ला के प्रोजेक्ट्स पर आप नज़र डालिए। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस के बाद 3 म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। एक तो शहनाज कौरगिल के साथ बिग बॉस के ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद ही आ गया था बुरा दूंगा सॉन्ग, फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला दिल को करा रहा सॉन्ग में नज़र आए थे नेहा शर्मा के साथ, फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला फिर से शहनाज गिल के साथ शोना शोना सॉन्ग में नज़र आए। यानी कि भाई, सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौरगिल के साथ 2 सॉन्ग किए, एक उन्होंने सोलो किया जिसमें उनके साथ नेहा थी। लेकिन इससे ये बात ज़रूर पता लग रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज के साथ काम करने के लिए कई सारे ऑफर्स भी ठुकराए हैं, लेकिन वो ऑफर्स उन्होंने शहनाज की वजह से नहीं ठुकराए हैं, वो ऑफर्स उन्होंने इसलिए ठुकराए हैं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को ये वाले गाने ज़्यादा पसंद आए, सिद्धार्थ शुक्ला इन्हें खुद भी सुनना पसंद करते हैं और सिद्धार्थ यही सोचकर किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं, किसी भी म्यूज़िक वीडियो को साइन करते हैं कि क्या वो उसे खुद सुनना चाहेंगे, खुद देखना चाहेंगे। तो भाई, शहनाज कौरगिल उनके लिए स्पेशल तो है ही, ये तो साफ है, भले ही दोस्त हों या फिर कुछ और, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला टोटली इसी बात पर जज करते हैं कि प्रोजेक्ट वो खुद कितना पसंद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और इसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।